वही कुशीनगर जिले के पड़रौना कोतवाली अंतर्गत मटियरवा गांव में बीते दिनों हुए अपहरण में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि पुलिस को बीते 1 अप्रैल को सूचना मिली थी कि दिन दहाड़े दो लोगों के द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो अपहरण में चौंका देने वाले खुलासे हुए, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल पुलिस ने जांच में पाया कि अपहरणकर्ताओं ने जिस व्यक्ति का अपहरण किया था वह किशन सिंह का व उधार लिए गए रुपयों से ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग के काम करता था और उधार लिए गए रुपये को घाटे में गवा चुका था, जिसके बाद से उधार देने वाले लोग अपने रुपये मांगने का दबाव बना रहे थे। दिनांक 1/4/24 को मटियरवा थाना पड़रौना निवासी अंकित सिंह द्वारा यह सूचना दी गई कि मैं अपने भाई हिमांशु और चाचा के लड़के अनुराग के साथ अपने गांव से जा रहा था। रास्ते में सुनसान जगह पे दो व्यक्तियों द्वारा जो है तमंचे के बल पे जो है मेरे भाई हिमांशु किशन सिंह का अपहरण कर लिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली पड़रौना द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूरे घटना का पर्दाफाश किया गया। तो इसमें यह तथ्य आया कि इसमें किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह जो वादी का भाई है उसके द्वारा स्वयं अपने अपहरण की जो है फर्जी घटना रची गई थी। क्योंकि किशन अपने साथी विकास चौबे के साथ मिलकर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। इन लोगों ने काफ़ी पैसा लोगों से ले रखा था, जब इनको काफ़ी घाटा हो गया और जिन लोगों से पैसे लिए थे वापसी का दबाव बना, तो इसने इस तरह की घटना रची। और इसमें अपने एक अन्य विकास चौबे ने अपने अन्य साथी राजा को भी अपने साथ रखा कि उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। और इसमें राजा का आपराधिक इतिहास भी है, उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा पंजीकृत है पूर्व से। इनका उद्देश्य ये था इस फर्जी घटना को दिखा के अपने चाचा जो कि शिक्षक हैं उनसे जो है पैसे लेकर जो है इसमें जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति करेंगे।